सिटी दल का न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को गिरीश मानव का नमस्कार। आइए आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देते हैं इस बुलेटिन की हेडलाइंस की। चौटाला की रिहाई पड़ी ठंडे बस्ते में, दिल्ली में कभी भी हो सकती है आचार संहिता की घोषणा। फिर भिड़े अनिल विज मुख्यमंत्री से, आईपीएस अफसरों के तबादले बने विवाद का कारण। हाल ही पानीपत की याद में हुआ सेमिनार का आयोजन, सांसद संजय भाटिया रहे मुख्य अतिथि। आरटी ऑफिस में अभी भी बना हुआ है डर, सीएम फ्लाइंग रेड में पाए गए थे कुछ कर्मचारी गैर हाजिर। पानीपत टोल प्लाजा होगा खत्म, सांसद संजय भाटिया ने दिलाया विश्वास। मृतक अजय के परिजन मिले विधायक प्रमोद विज से, आरोपी को गिरफ्तार करने की करी मांग। पानीपत के नई उपायुक्त हिमा शर्मा ने संभाला कार्यभार, सुमेधा कटारिया का हुआ पंचकुला ट्रांसफर। और आर्य बाल भारती स्कूल में किया गया यज्ञ का आयोजन। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आइए अब विस्तार से जान लेते हैं इस बुलेटिन की सभी खबरें। हालांकि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला 14 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन इनेलो कार्यकर्ता अपने सुप्रीमो की संपूर्ण रिहाई के ख्वाहिशमंद हैं। कार्यकर्ताओं की तजवीज है कि ओम प्रकाश चौटाला को किसी विश्वसनीय मध्यस्थ अथवा वार्ताकार के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनाने के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई का फैसला अरविंद केजरीवाल के विवेक पर छोड़ दिया है। ऐसे में केजरीवाल की एक रिपोर्ट से ही ओम प्रकाश चौटाला की सजा के शेष बचे 3 साल की सजा खत्म हो सकती है। उधर दिल्ली में फरवरी महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में इनेलो कैडर आचार संहिता से पहले चौटाला की रिहाई की अपेक्षा कर रहा है, जबकि अरविंद केजरीवाल ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के मामले पर गहन मंथन करना चाहेंगे, क्योंकि चौटाला की रिहाई का मुद्दा भाजपा या कांग्रेस के हाथ लग गया तो आम आदमी पार्टी को बेवजह सफाई देने की नौबत आ जाएगी। दूसरी तरफ केजरीवाल की निगाह दिल्ली भारी की 10 उन सीटों पर भी है जो जाट बाहुल्य सीटें मानी जाती हैं। हाल ही में दिल्ली की एक जनसभा में अमित शाह द्वारा सांसद प्रवेश दहिया को विशेष तवज्जो दिए जाने पर भी बाहरी सीटों के महत्व को बढ़ाता है। ऐसे में केजरीवाल चौटालों को बाहरी दिल्ली सीटों पर उपयोग करने के फायदे नुकसान पर भी मंथन कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का कभी भी फैसला हो सकता है। इसलिए इस बात की प्रबल संभावना है कि जैसे जैसे फैसला लेने में देरी होगी, वैसे वैसे ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई का फैसला आचार संहिता के भंवर में फंस सकता है। उधर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि चुनाव से पहले केजरीवाल चौटाला की रिहाई सुनिश्चित कर देते हैं तो वे भाजपा व कांग्रेस के तीक्ष्ण वारों की चपेट में आ सकते हैं। जाहिर है केजरीवाल केवल संभावनाओं के दम पर सियासी जख्म नहीं लगाना चाहेंगे, इसलिए चौटाला की रिहाई का फैसला फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। हमेशा सिद्धांत की राजनीति के पक्षधर रहे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से टकराव के तेवरों में नजर आ रहे हैं, और यह टकराव हाल ही में 9 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादलों को लेकर बनता नजर आ रहा है। गृह मंत्री अनिल विज को इस बात का मलाल है कि हाल ही में 9 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादलों के बारे में उनसे कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, केवल उन्हें सूचना दी गई। उनका तर्क है कि गृह मंत्री होने के नाते वे गृह विभाग के मुखिया हैं, इसलिए तबादलों का अधिकार केवल उन्हें ही होना चाहिए, न कि मुख्यमंत्री को। अलबत्ता मुख्यमंत्री से राय ली या दी जा सकती है, लेकिन अंतिम फैसला बतौर गृह मंत्री अनिल विज को ही करना है, इसलिए 9 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों का तबादला रद्द होना चाहिए। इस आशय का नोट बनाकर गृह मंत्री अनिल विज सीएमओ में प्रेषित कर चुके हैं। जाहिर है गृह मंत्री के इस अप्रत्याशित स्टैंड से न केवल सीएमओ बल्कि तमाम बड़े अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। सवाल बड़ा है कि क्या इन 9 आईपीएस अफसरों का तबादला प्रकरण मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच मूंछ का बाल बन सकता है। इस बात से मर्माहत हो सकते हैं कि उनके विशेष अधिकार को उनके ही गृह मंत्री चुनौती देने जा रहे हैं। उधर अलमस्त गृह मंत्री पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनके अधीन गृह विभाग में वही होगा जो अनिल विज चाहेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ना इत्तफाकी रखते हुए भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहज भाव से इस संकट को निपटा देंगे। उधर चुटकी लेकर यह कहा जाने लगा है कि अनिल विज ने साफ तौर भविष्य में लिए जाने वाले फैसलों को रेखांकित कर दिया है कि गृह विभाग में यदि किसी की चलेगी तो वाहिद गृह मंत्री अनिल विज अपनी चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आर्य बाल भारती विद्यालय के बाहर दोपहर बाद हवन किया गया और लोगों को परस्पर मिलकर रहने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर आचार्य अभय सिंह ने कहा कि विघटनकारी तत्व इतिहास में मिलावट करके भेदभाव फैलाकर गणराज्य को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। आर्य समाज ने सदैव ही समाज की सही व्याख्या करके राष्ट्र की अखंडता की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि सृष्टि का नववर्ष चैत्र मास की प्रथम तिथि से आरंभ होता है। पूर्व में यज्ञ करके नव संवत्सर को मनाया जाता था।
इस अवसर पर संजय शर्मा, बसंत बोहत, रफल सिंह, विकास आर्यवीर, अरुण बोहत और मिथिलेश कश्यप आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जो अंग्रेजी नववर्ष को अपने आप को संभ्रांत धनीमानी बुद्धिजीवी कहने वाले कुछ लोग इस अंग्रेजी नववर्ष को, और वो भी पाश्चात्य ढंग से अंग्रेजी ढंग से मनाते हैं, तो निश्चित तौर पर सब मानते हैं कि भाई जो पाश्चात्य संस्कृति है वो स्वार्थ की और नशा की, चरित्रहीनता की संस्कृति है। पानीपत की नई उपायुक्त हिमा शर्मा ने तमाम अटकलों के बावजूद अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। गौरतलब है कि उनसे पूर्व इस पद पर रही उपायुक्त सुमिता कटारिया का तबादला पंचकुला नगर निगम आयुक्त के तौर पर कर दिया गया था। इसे लेकर स्थानीय राहगीर ग्रुप ने नाराजगी जाहिर करते हुए तबादला रद्द करने की मांग की थी। करीब 2 दर्जन लोग विधायक प्रमोद विश्य से भी मिले थे, लेकिन तबादला रद्द न होने से राहगीरी समूह को निराशा का सामना करना पड़ा। उधर हेमा शर्मा के पानीपत उपायुक्त नियुक्त होने से स्थानीय अधिकारियों ने खुशी जाहिर की है। देशराज कॉलोनी निवासी मृतक अजय की मौत का जिम्मेदार एसटी मॉडर्न स्कूल की एक पूर्व शिक्षक को बताते हुए उसके परिजनों ने सोमवार को विधायक प्रमोद से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मृतक छात्र के हत्या के आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। गौरतलब है कि लगभग एक पखवाड़ा पहले अजय की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चलने से मौत हो गई थी। उसके पिता एक स्थानीय कॉलेज में गार्ड की ड्यूटी पर हैं। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक ने उनके पुत्र को फंसाया हुआ था। बहरहाल विधायक ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। अन्याय हो रहा है जी, मतलब आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई जी, कोई हत्यारे खुले गलियों में घूम रहे हैं जी, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई जी। हम 20 दिन हो गए जी, 2 बार SP से भी मिल चुके हैं, SHO से कई बार मिले हैं। पहले थाना किला में ये केस था, अब CIA 2 में दिया गया है जी केस। सांसद संजय भाटिया ने कहा कि पानीपत टोल प्लाजा खत्म कराने के लिए वे पूरी तरह से गंभीर हैं। इसको लेकर वे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मिल चुके हैं। अब ये प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इसके अलावा पानीपत ओवरब्रिज से कट खुलवाने के लिए भी वे जल्दी ही कोई खुशखबरी देने वाले हैं। गौरतलब है कि पानीपत के नागरिक ओवरब्रिज से कट खुलवाने और टोल प्लाजा को खत्म करने को लेकर काफ़ी दिनों से मांग उठा रहे हैं। जाहिर है कि अब सांसद के इस सकारात्मक रुख से वे आश्वस्त हो गए हैं। DC मैडम, NHI और LND के अधिकारी बैठे थे, उसके अंदर मैंने बातचीत करी, इस विषय के ऊपर बातचीत हुई, ये हमारा जो टोल लिया जा रहा है ये गलत लिया जा रहा है। उससे पहले मैं काम करके आना चाहता था, ईमानदारी की बात ही है, मैं चाहता था कुछ निर्णय मैं करवा लूं, और फिर मैंने उसके ऊपर क्या क्या वर्किंग किया है, मेरा टोटल रिकॉर्ड मेरे पास पूरा, एक एक प्रोजेक्ट, चाहे यमुना एक्सप्रेस वे का मामला हो, या ये टोल का मामला हो, या ये काम बंद वाला मामला हो, या पानीपत से जींद का जो नेशनल हाईवे बनने का मामला, और पानीपत मेरठ की लाइन का मामला हो, करनाल हरिद्वार का हो, मैंने हर काम के ऊपर वर्किंग कर चुका हूं मैं। पानीपत के RTA कार्यालय में अचानक CM फ्लाइंग की रेड पड़ने से अधिकारियों में हड़कंप समच गया। CM फ्लाइंग सुबह करीब 9 बजे ही RTA ऑफिस में पहुंच गई थी। मीडिया से बचकर करीब 3 घंटे चली इस कार्रवाई के बाद फ्लाइंग टीम ने बताया कि ये एक रूटीन चेकअप था। RTA कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि अटेंडेंस को लेकर पूछताछ की गई थी। रेड के दौरान 4 कर्मचारी गैर हाजिर मिले, 3 कर्मचारी टाइम पर नहीं पहुंचे थे। CM फ्लाइंग की टीम ने RTA कार्यालय में अधिकारियों से चर्चा करने के बाद रवाना हो गई। स्टाफ के अटेंडेंस के बारे में बात, अटेंडेंस तो लगता है आपके स्टाफ बहुत कम है। तीन चार स्टाफ छुट्टी पे, तो स्टाफ अटेंडेंस 3-4 एब्सेंट मिले, मतलब छुट्टी पे या किसी वजह नहीं आ पाए। हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा पानीपत के ST कॉलेज में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की याद में एक दिवसीय सेमिनार और कुल हिंद मुशायरे का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संजय भाटिया उपस्थित रहे। उनके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर नदीम और डॉक्टर शाहनवाज भी उपस्थित रहे। मुशायरे की अध्यक्षता उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने की। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा, राजीव रंजन और कुमार पानीपति भी उपस्थित रहे। सांसद संजय भाटिया ने अपने संबोधन में कहा कि पूरी दुनिया में आज भी पानीपत को हाल ही के शहर के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर भी अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि धीरे धीरे लोगों को ये समझ आ रहा है कि वास्तव में ये कानून क्या है। उन्होंने आयोजकों को इस सफल सेमिनार और मुशायरे की मुबारकबाद भी पेश की। सिटी तालुका न्यूज़ के इस अंक में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।
अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए सिटी दयाल का न्यूज सच के साथ। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट।